नमस्कार, इनविजन की खास मुलाकात इस पेशकश में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं इस विषय 1526 में जो बाबर के सिपे सलार है मीराबा की द्वारा निर्मित बाबरी मस्जिद को 1992 में कई कार सेवकों ने बड़ी तादाद में मौजूद रहकर आंदोलन कर जो है उस गुंबद को गिराया था, जिसके बाद की है ये विवाद, काफी सांप्रदायिक विवाद बोल सकते हैं, काफी देर तक चला और आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वहां राम मंदिर निर्माण की जो है अनुमति दी गई। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 1990 और 1992 दोनों जो है दोनों समय में कार सेवा देने वाले गिरीश व्यास जी, जो कि पूर्व प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। आपका लाखों धन्यवाद और साथ ही साथ आपका स्वागत है हमारे इस शो में खास पेशकश। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले गिरीश जी, हम जानना चाहेंगे आप 1990 में भी गए, 1992 में भी आपने कार सेवा दी है, तो किस प्रकार का अनुभव रहा, किस प्रकार की स्थिति उस वक्त प्रतीत हो रही थी? मैं इसके पूर्व कहना चाहूंगा कि केवल 90 और 92 के कार सेवा में ही नहीं, तो इस निमित्त से शुरू हुए प्राथमिक आंदोलन से, प्राथमिक कार्यक्रमों से मेरा जुड़ाव रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैं नगर सेवक था 1985 में, और जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई उसके पश्चात भी मैं अनेक पदों पर काम कर रहा था। 85 में नगर सेवक बना, उस समय से एक चर्चा देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्राथमिक रूप में राम मंदिर के आंदोलन को लेकर एक गतिविधियां शुरू हुई थी। विश्व हिंदू परिषद अपने पद्धति से काम कर रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने माध्यम से संपर्क कर रहा था, और भारतीय जनता पार्टी ने तो 1990-90 के बीच में इसको आंदोलन को स्वीकार किया और देश भर में इसके संदर्भ में रैलियां की। पर हमको स्मरण करना चाहिए, इसके पहले मोहल्ले मोहल्ले में, देश भर, गली गली में, बस्ती बस्ती में हमने एक सामूहिक सत्यनारायण का कार्यक्रम भी आयोजित उस समय तत्कालीन व्यवस्था ने किया था। लोगों को जोड़ना, लोगों को उस विषय से जानकारी देना, उस विषय के साथ लोगों को लेकर चलना, ये एक प्रथम प्रयास था। उसके बाद में जगह जगह पर शिला पूजन के कार्यक्रम हुए। शिला पूजन के पहले एक एकात्मता यात्रा निकली और उस एकात्मता यात्रा के अंतर्गत सारे देश भर के पवित्र स्थानों का जल तीन कुंभ में भरकर तीन दिशाओं से एक साथ नागपुर में एक साथ एक समय में यहाँ आया, वो ऐतिहासिक क्षण भी इस नागपुर ने उसको देखा है और समझा है। तो इन सारी गतिविधियों के बाद जब देश भर में इस प्रकार का माहौल और बात होने लगी, चर्चा होने लगी कि हमको राम मंदिर के निर्माण का आंदोलन गति पकड़ सकता है, इसको मान्यता लोगों के बीच में है, तो यह जब हुआ तो जनता का आंदोलन, जनता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर रूप से उसको प्रस्तुत किया आदरणीय अडवाणी जी के नेतृत्व में। आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसके सारथी थे, तो उधर हमारे प्रमोद जी महाजन उसके सारथी थे, एक तरफ राजनाथ सिंह जी थे तो एक तरफ हमारे आदरणीय नितिन जी गडकरी थे। इन सब लोगों ने, उस समय की युवा टीम ने मिलकर इस आंदोलन को गति दी और रथ यात्रा निकली, और देश भर में इस रथ यात्रा को, जहां जहां से रथ यात्रा गुजरी, लोगों का हुजूम इसके साथ था। तो ये देखते हुए एक प्रकार का वातावरण बना और 1990 में पहले एक कार सेवा का प्रयास किया गया। हम यहाँ से कार सेवा के लिए गए, हमको पकड़ा गया और हमको नैनी के जेल में रखा गया, उत्तर प्रदेश का नैनी जो स्थान है वहां जेल में रखा गया, और उसके बाद धीरे धीरे वो आंदोलन वहां से समाप्त हो, हम जेल से छूटे, वापस आए, फिर कुछ दिनों से फिर इस आंदोलन का जन समर्थन चालू हुआ। 1992 में हमको एक बार फिर आंदोलन करने का अवसर मिला, मैं भी मेरी एक 25-30 लोगों की टोली के साथ मैं भी नागपुर से अयोध्या के लिए चला, और जाते समय मुझे अयोध्या से एक 7 किलोमीटर पहले हमको पकड़ा गया, और हम जंगलों में से, बस्तियों में से जा रहे थे, हमको एक साथ पकड़ा और पकड़ने के बाद हमको उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जेल में रखा गया। वहां हम 15-16 दिन हम जेल में रहे और एक दिन हमको खबर आई जेल में कि कार सेवा संपन्न हो रही है। हमारे अनेक कार्यकर्ता वहां पहुंचे, सब लोग उस मस्जिद की गुंबद पर चढ़े और चढ़ने के बाद उसको तोड़ने का प्रयास किया और तोड़कर उसको एक कार सेवा को पूर्ण रूप वहां पर करने का प्रयास किया।
सरकार भी ये थी और उस सरकार में मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने गोलियां भी चलाई और उसके बाद आपको सब कोठारी बंधु वगैरह का सबका मालूम है, कई लोग उसमें उनको वीरगति प्राप्त हुई। पर अंततो गत्वा एक बात तय हो गई कि लोगों के मन में इस संदर्भ में एक बहुत उत्साह था, बलिदान देने के लिए लोग तैयार थे और ये सब वहां पर इस प्रकार से हुआ। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं दोनों कार सेवा के अंदर मैं सम्मिलित हुआ था। तो दूसरे सवाल के तौर पर आप एक चक्षु दर्शक है उस पूरी परिस्थिति के, उस पूरे आंदोलन के, तो हम जानना चाहेंगे कि उस वक्त किस प्रकार की परिस्थिति थी, गुम्मत तोड़ने के बाद जो है किस प्रकार की जो है रेलचेल थी और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली कार सभा में तो हम जब गए या दूसरे में गए तो लोग जो उत्तर प्रदेश के थे, जहां से कार सेवक जाता था वो उसकी सेवा करना चाहते थे कि ये देश के किसी न किसी कोने से आया है और कार सेवा के लिए आया है, ये उन सब लोगों के मन में भाव था। उन लोगों ने काफी लोगों की सेवाएं की, हमने प्रत्यक्ष देखा कि कार सेवकों के पैर भी दबाए गए, उनके पैरों को तेल भी लगाया गया, उनको विश्राम दिया गया, उनको भोजन पानी भी दिया गया, साथ में बांध कर भी दिया गया, सारा उसके अंदर ये चला। तो एक अनुकूल वातावरण और सब जगह से एक अनुकूल परिस्थितियां वहां पर निर्माण हुई। बोला जाए तो संतों के भांति जो है कार सेवकों की सेवा उस वक्त तत्कालीन लोगों ने की थी। निश्चित। तो साथ ही साथ जो है इस ही मुद्दे को लेकर जो है सांप्रदायिक जो है दंगे के रूप में इसे देखा जाता है सियासी तौर पर, तो उस वक्त जो है पीवी नरसिंह राव की सरकार केंद्र में थी, कल्याण सिंह की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में थी, तो उस वक्त जो है 11:45 पे जिला मैजिस्ट्रेट वहां गए थे, ऐसा भी कहा जाता है जिला मैजिस्ट्रेट वहां गए थे, साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक वहां गए थे, पूरी परिस्थिति का उन्होंने मुआयना किया, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जो है आंदोलन हुआ, इतना बड़ा जो है बोल सकते हैं विवाद वहां उत्पन्न हुआ, घुम्मत तोड़े गए, जाकि मध्य घुम्मत को भी तोड़ा गया, तो उस वक्त ही जो है शाम के समय जो है कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया गया, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, एक तो है कि ये बाबरी मस्जिद, ये जो ढांचा है, ये हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया था, और ये अतिक्रमण के लिए, इसको हटाने के लिए और वहां मंदिर बने, इसकी लड़ाई तो काफी शतकों से चल रही थी, और ये शतकों से चलने वाली लड़ाई में हजारों लोगों ने अपने बलिदान दिए, अपनी आहुतियां दी है, ये इतिहास है और ये इतिहास के पन्नों पर सब लिखा हुआ है। पर तथाकथित लोग इसको मान्य नहीं करते थे, पर जब इसमें परिवहन नरसिंह राव की सरकार ने इसको गिराया, सरकार को गिराया, पर तब तक कार सेवक अपना काम कर चुके थे, क्योंकि वो बार बार इस धब्बे को, इस काले इतिहास को मिटाना चाहते थे, और ये निश्चित रूप से उन्होंने उसको मिटाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। अब वो खंडित जगह कर दी, और खंडित जगह के बाद एक विवाद उत्पन्न हुआ देश भर में, कुछ लोगों ने इसका एक वातावरण सांप्रदायिक करने का जहर भी घोला, पर मुझे नहीं लगता कि कहीं इसका बहुत बड़ा एक असर बाकी समाज पर या किसी मुस्लिम समाज के ऊपर बहुत ज्यादा असर रहा है। छुटपुट घटनाएं देश भर में हुई जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी निंदा करना चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, दोनों तरफ से ऐसी घटनाएं हुई, और इसको धीरे धीरे जब ये वातावरण शांत हुआ और जब ये पहल की गई कि इसके साक्ष्य जुटाए जाएं, तो अटल जी की सरकार ने इसके साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया, एक किताब भी प्रकाशित की हुई, उस किताब के अंदर वहां के जो तत्कालीन अवशेष मिले उन अवशेषों को भी उस किताब से अटल जी की सरकार के माध्यम से उसको प्रकाशित किया गया। फिर ये मुद्दा काफी वर्षों से कोर्ट, हाई कोर्ट करते करते ये सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके सारे जो आदेश दिए, तो आज मालूम है कि हमारे जो प्रमाण वहां दिए गए, जो हमारे राम भद्राचार्य जी परम पूज्य हैं, उन्होंने जो प्रमाण, वो दोनों आंखों से उनको दिखते नहीं, वो पढ़ नहीं सकते, पर इतनी दिव्य शक्ति उनके पास है कि उन्होंने सारे पुराणों के उल्लेख देते हुए जब ये वहां अदालत के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब सारे सबूत वहां पर दिए, सारे जब तथ्य थे वो उन्होंने रखे, कौन से पुराण में, कौन से वेदों के अंदर इसका उल्लेख है, ये राम जन्मभूमि कैसी है, ये स्थान क्यों है, कैसा है, ये सब जब बताया, तब अब देखिए कि उन्होंने 444 ऐसे प्रमाण दिए जिसमें से 432 प्रमाणों को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया है।
ये सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ जो बैठा था, ये सबसे बड़ा खंडपीठ बैठा था, उस खंडपीठ में मान्य किया और उसमें एक इस देश के हमारे सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील एक मुस्लिम जज भी थे, जिन्होंने कहा कि ये कोई तो भी दिव्य आत्मा है जो इतने प्रमाण अकाट्य रूप से दे रही है, और उसके लिए उन्होंने उनकी तारीफ भी की कि सच में। और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट का जब न्यायालय निर्णय हुआ तो दोनों पक्षों ने मान्य किया और आज कहीं किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है। आज सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने को तैयार है और जो कुछ भी थोड़े सी यानी इस कार्यक्रम के बारे में गलत फहमिया, भ्रामक जानकारी, गलत संदेश देने का प्रयास है वो तो चल रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र में भी उठ रहा है, जो है विरोधी पार्टियों द्वारा, किसी का नाम मैं स्पष्ट रूप से नहीं लेना चाहता, लेकिन जो है सियासी नुमाइंदे इसको कहीं ना कहीं सियासी रूप तौर पर देख रहे हैं। किसी को आमंत्रण मिला है फिर भी वो जो है रामलला की जो है राम अयोध्या में नहीं जाना चाहते, तो कोई लोग जो है इस आमंत्रण को ठुटकारते हुए, धिक्कारते हुए भी बोल सकते हैं कि वो नहीं आना चाहते, साथ ही साथ कुछ काड़ा राम मंदिर में आदि मंदिरों में जाकर आरती करना चाहते हैं लेकिन वो राम मंदिर नहीं जाना चाहते, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, जो ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर नहीं जाना चाहते निमंत्रण मिलने के बाद भी, तो मैं समझूंगा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति है, उसका भाग्य ही नहीं भगवान के दर्शन करने का। ये सबसे पहले उसने निश्चित जीवन में पाप किया है इसलिए वो वहां जाना नहीं चाहता। आप कल्पना करिए कि अयोध्या है और इस अयोध्या में देश नहीं तो विश्व का सारा मीडिया, सारे विश्व से लोग यहाँ आना चाहते हैं उस दिन जिस दिन रामलला की उस 12:38 के एक 4-5-6 पलों के अंदर जो स्थापना होगी उस एक भव्य समय को देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए जमा हो रहे हैं। तो इसलिए अनेक लोगों को निमंत्रण नहीं है, हमको भी रोका गया है, हम तो कार सेवक हैं। जिन लोगों को निमंत्रण भेजा है और जो लोग आज नकार रहे हैं उनका तो अधिकार ही नहीं है राम मंदिर के वहां जाकर दर्शन करने का, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। पर जिन कार सेवकों के परिवारों ने बलिदान दिया, जिन कार सेवकों ने वहां पर कार सेवा की, जो वहां पर जेलों में 15-15 दिन बंद रहे, उन लोगों ने जाने की इच्छा व्यक्त नहीं की, क्योंकि वहां संख्या की दृष्टि से उन लोगों को आने के लिए रोका गया है कि आप अभी नहीं, आप आगे आइए। हम आगे जाने वाले हैं, हम जनवरी के आखिर में जाएंगे, फरवरी में जाएंगे, मार्च में जाएंगे, देश जाना चाहेगा और पूरा विश्व वहां आना चाहेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा परिवर्तन सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत में हो रहा है कि जिस भरत के नाम से भारत जाना जाता है उसके बड़े भ्राता प्रभु रामचंद्र का ये मंदिर पुनः उसी स्थान पर बन रहा है जहां पर वो विराजमान थे। तो ये जो है ये अलौकिक स्थान और अलौकिक स्थिति के ऊपर जिनको निमंत्रण मिला है वो तो भाग्यशाली होने चाहिए, उन्होंने तो अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। आपने किया क्या राम मंदिर के लिए जो आपको बुलाया जा रहा है? जब आपको सम्मान दिया जा रहा है तो उसको सहर्ष स्वीकार करिए, आप जाइए। और जो नहीं जा पा रहे हैं, जिनको नहीं निमंत्रण मिला, वो कुल बुला रहे हैं, मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मैं ऐसा बोलूंगा तो निमंत्रण मिलेगा। भाई क्यों मिले? आपको अगर भगवान के प्रति श्रद्धा है तो जरूर जाइए, और श्रद्धा नहीं हो तो आज नहीं, आप तो कभी नहीं जाएंगे। लोग लगातार जाएंगे और एक ये ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्थान बनेगा कि जिसका सबसे बड़ा सम्मान पूरे विश्व में होगा, ये मैं कह सकता हूं। और रही बात दर्शन की, तो रामलला के दर्शन तो सब जगह कण कण में भगवान है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने, बीजेपी ने अपने अपने लोगों को कहा है कि आप जहां रहते हैं वहां के पड़ोस के मंदिर में आप जाइए, अपने घर का मंदिर स्वच्छ करिए, अपने घर में रोशनाई कीजिए, अपने घर में दिए जलाइए। ये तो दिवाली है तो इसको अभूतपूर्ण दिवाली मनाइए। ये शतकों के बाद, प्रभु राम के बाद, त्रेता युग के बाद कलयुग का ये अवसर है कि आपको ये शुभ अवसर मिला है कि आप दिवाली मनाएं। दिवाली हर साल मनाते हैं पर ये दिवाली कुछ अलग है, कुछ अजीब है, और इसका एक आनंद लेने के लिए आह्वान किया है कि आपके नजदीक के मंदिर में आप जाइए और ठीक 12:38 पर वहां आरती करें, शाम को मंदिर को रोशनाई करें, वहां प्रसाद वितरण करें। हम वहां नहीं गए तो क्या हुआ? किसी भी रूप में भगवान हमारे सामने, मान्यता अगर सनातन धर्म की है तो उसी के आधार पर ही आह्वान किया गया है।
तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने गिरिजी व्यास से जाना, सियासी तौर पर भी कई प्रतिक्रियाएं, कई विचार व्यक्त हो रहे हैं। साथ ही साथ 22 जनवरी जो है हिंदू सनातन के लिए आधुनिक रूप से बोल सकते हैं ये त्रेतायुग के बाद जो है कलयुग की दिवाली से माना जाएगा, जो कि इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तो दर्शकों, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आखिरकार अयोध्या के उनके राम जन्मभूमि पर होने जा रही है, जो कि हिंदू सनातन के लिए साथ ही साथ विविध से भरे इस भारत के लिए भी काफी खुशी की बात है। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि पर अपडेट के लिए देखते रहिए NBC न्यूज़। मैं हूं मनीष और हमारे साथ थे गिरिजी व्यास। नमस्कार। जय श्री राम।